अपने बॉस का नाम नहीं पता। उठा फेंक दे भाई, ये चक्कर क्या है? लंबी कहानी है, तेनू वेले टाइम में सुनाऊंगा। तू बैठ बैठ बैठ। और दस की हाल चाल? माझी आप क्या हुआ, कोई काम रह गया? बेटा तुम्हारा नाम नहीं, वो प्रकाश शादी के कार्ड छपाने गया था, तो तुम्हारा पूरा नाम और तुम्हारे माताजी का पूरा नाम चाहिए था। ओह, सारा लिख के दोगे? हाँ। शादी? हाँ यार। ये मेरा दोस्त है सनी आहूजा, और ये लता की माँ जी है। लता? अरे तेरी होने वाली भाभी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पंजाबी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हो। पंजाब पुत्र है, पंजाबी नहीं बोलेगा तो की बोलेगा? आप भी बाजी। पंजाब का पुत्र? लेकिन तुम तो बंगाली हो ना? हाँ वो माजी, मैं कहने की मेरी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई, तो दोस्तों से थोड़ी बहुत पंजाबी बोलना सीख गया, तब से ये मुझे पंजाब का पुत्र कह के बुलाता है। ये इसी तरह बंगाली भी सीख लेते तो। आपकी वो पड़ोसी है ना मिसेस चैटर्जी, उनसे आज से ही क्लासेस लेना शुरू करता हूं मैं। हम चलते हैं। मैं खुद दिल्ली गया था, तुम्हें पंजाबी बोलने लगा था, याद है? हाँ, और उन्होंने कहा था ना कि उनको बंगाली आती नहीं है, तो माँ आप फिजूल में परेशान हो रही हैं। हम दीदी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी सी राहत मिली बेटा तुम दोनों को मिलके, दिल हल्का हो गया। हम ऐसे ही परेशान हो गए थे, अब छोटी छोटी बातों से भी डर लगता है। अच्छा हम चलते हैं। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, हम फिर आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। तुम है ना माँ? करण, माँ को तसल्ली देने के लिए तो हमने कह दिया, पर अगर उनकी शंका सही होगी तो? हो सकता है, फिक्र मत करो, हम जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, सब ठीक होगा। हम जानते हैं चंद्रप्रभा की एक माँ के लिए बेटी की शादी चिंता का विषय होता है, लेकिन चिंता की अब कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें ये यकीन हो गया है कि हमारी बेटी के बुरे दिन टल गए। देखिए ना, देवाशीष जैसा आदमी उसका हाथ थाम रहा है, आप देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए आइए बैठिए। लता बेटा पानी लाना, आइए बैठे जी। एकदम अचानक से? बस समधन जी, एक खास मकसद से आई हूँ यहाँ। जल्द से जल्द आपकी बेटी को अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हूँ।
तीन दिन के बाद एक अच्छी मुहूर्त है, तो सोच रहे थे कि शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। आप तो तीर्थ यात्रा पे जाने वाली थी, सगाई तो हमने कर ली जल्दी में, लेकिन शादी इतनी जल्दी। समधन जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। दरअसल बात यह है कि एक महान जी आए हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और मैं उनको ही मिलने के लिए आज जा रही थी यात्रा पर, क्योंकि वो 25 साल के बाद समाधि से बाहर आ रहे हैं, और मैं चाह रही थी कि नई बहू और बेटे को भी आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। चंद्रप्रभा, ऐसे सिद्ध पुरुष के दर्शन और उनका आशीर्वाद बच्चों को मिले, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, लेकिन आपके रिश्तेदारों को न्योता भेजना होगा ना जी, तो आप हमें उनका पता लिख दीजिए, हम उन्हें न्योता भेज देंगे। इतनी जल्दी तो कोई आ नहीं पाएगा, मैं और देव ही रहेंगे बस। अरे ऐसे कैसे? उस दिन तो आप बता रही थी कि आपके कोई रिश्तेदार जबलपुर में है। जबलपुर तो पास में ही है ना, वो आ सकते हैं शादी में। जी, लेकिन ऐसा है कि थोड़े बुजुर्ग रह गए हैं और सारे बच्चे तो बाहर सेटल हो गए हैं। बुजुर्ग हो या बच्चे हो, शादी के लिए तो रिश्तेदार आएंगे ही ना। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब हमारी तरफ से न्योता देना तो जरूरी है ना। जी आप इसमें पता लिख लीजिए, हम उन्हें न्योता भेज देंगे। मैं लिख देती हूँ जी। अच्छा मैं अब चलती हूँ। अच्छा कुछ काम था? क्यों, कुछ काम हो तो ही मैं फोन कर सकता हूँ क्या तुम्हें? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो लता, अब तुम मेरी धर्म पत्नी बनने वाली, इसलिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस सिलसिले में। जी तुम लोगों ने दोषी के खिलाफ विमल जी के खिलाफ केस तो फाइल कर ही दिया होगा? जी एक्चुअली हमने केस अभी फाइल नहीं किया है। क्या? जी मुझे लगता है कि माँ, पिताजी और आभा सभी मेरी बात से सहमत है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो वो आपके रिश्तेदार है, इसलिए उसे तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने का हक मिल गया, तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ पहुंचाने का हक मिल गया। नहीं नहीं लता, ये गलत है, केस तो तुम लोगों को फाइल करना ही चाहिए, और कोई बाहर का वकील होगा तो वो कोर्ट में तुम्हें उल्टे सीधे सवाल पूछ के परेशान कर देगा। लता मुझे तो लगता है कि आभा जी से बेहतर वकील और कोई हो ही नहीं सकता इस केस के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हेलो, देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैं आपको भेज चुका हूं। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल्ड और करेक्ट है, तो आपको जो करना है वो प्लीज आप जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ का मैं जैसा संभालता आया हूँ वैसा संभालते रहूंगा। मुझे प्लीज डू इट क्विकली, ओके? इट्स अर्जेंट। किससे बात कर रहे थे? वो कुछ बिजनेस की बात, जरा अर्जेंट है। मैं परेशान होकर किससे बात कर रहे थे?
बच्चा तो है और उतना पैसा हमारे पास है नहीं। हमें ये लगता है कि बेटा उधार तो लेना ही पड़ेगा। पहले का उधार चुकाने के पैसे हैं नहीं और अब आप और उधार लेने की बात कर रहे। वैसे ही लता दीदी के इलाज में कितना खर्चा हो चुका है। अभी शादी का झमेला करने की क्या जरूरत है। मैं तो कहती हूं कि कोर्ट मैरिज करो और चलता करो। कनिका जी आपकी राय किसी ने नहीं मांगी। अगर आपकी राय की जरूरत होगी तो पूछ लेंगे आपसे। ठीक है लो और उधार मुझे क्या पड़ी। पापा के जाने के बाद मैं और माँ बहुत अकेले हो गए थे तो कभी कभी मैं पापा की स्टाइल से माँ के साथ बात कर लेता हूँ। और हम माँ बेटा होने के बावजूद बहुत अच्छे दोस्त हैं। समधन जी ऐसा बेटा पाके तो मेरे भाग्य खुल गए। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी मेरे बेटे के साथ मुझे पूरा विश्वास है। आप बैठिए मैं चाय लेके आती हूं। हमें चाय नहीं चाहिए। दरअसल आपके रस्मों के हिसाब से हमें क्या तैयारियां करनी है ये पूछने आए थे हम। आइए या मिस्टर देव। हेलो हेलो मुझे जरा इन्हें अपना घर दिखाना था और वैसे भी आप नेक्स्ट वीक तो खाली करने ही वाले हैं ना। मैंने सोचा इन्हें दिखा दूं। अच्छा मैंने आपको जो दो बेडरूम बोला था ना वो उधर है और इधर से व्यू देखिए आप बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और साहब रेंट की बात है वो छोड़िए ना इतना सस्ता फ्लैट आपको कहाँ मिलेगा। करण यही है रोज रिसोर्ट। माँ ने जिसके बारे में बात की थी। एक्सक्यूज मी क्या आप हमें बता सकते हैं देवाशीष मुखर्जी के नाम से यहाँ कोई फ्लैट बुक्ड है। एक सेकंड मैं भी चेक करता हूँ। मैं तो उम्मीद करूंगा माँ का शक गलत निकले। अब हम भी सॉरी सर इस नाम से कोई भी फ्लैट बुक नहीं है। एक बार प्लीज ठीक से चेक कीजिए ना। अभी भी चेक किया ना। और यार रोज रिसोर्ट्स के नाम से और कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना। हाँ नहीं है सर। थैंक यू। मतलब माँ का शक सही निकला। देव जी ने झूठ बोला। चलो एक मिनट सर। अरे माँ क्या हुआ ध्यान कहाँ है आपका। नहीं बेटा हम लता के बारे में सोच रहे थे। कुछ पता चला उस फ्लैट के बारे में। हाँ हमने पता लगाया है। आप आइए 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 बताओ ना क्या हुआ। कुछ पता चला उस फ्लैट के बारे में। हमारा शक सही है कि गलत है। माँ जी आप जो सोच कुछ ठीक नहीं हो रहा है यहाँ। माँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है कि हमारी बहन के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। क्या बात है प्रकाश तुम इतने गुस्से में क्यों। माँ वो आदमी जिसने लता दीदी के साथ बदतमीजी करने के लिए उस गुंडे को लोकल नंबर से फोन किया था वो मर गया है। ये क्या कह रहे हैं प्रकाश भैया। केस वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो आदमी हमारी आखिरी उम्मीद है। आप एक बार ठीक से सोचिए। करण हम पुलिस स्टेशन गए थे और वहां जाके जब उन्होंने पता किया तो उसने पुलिस को कुछ भी बताने से पहले जहर खा लिया। जरूर कोई गड़बड़ है। करण जरूर कोई गड़बड़ है। ये बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही है। पहले तो कोयल और राज का आप पर झूठा इल्जाम लगाना कि तन्वी आपकी बेटी है जबकि उसका पिता कोई और है। फिर दीदी के साथ ये हादसा होना और अब माँ का दिल में देव जी को लेकर अजीब सी शंकाएं होना। करण ये सारी बातें कहीं ना कहीं जुड़ी है। कैसे आभा, कैसे आभा? देव राज कोयल लता दीदी के साथ जो भी हो रहा है ये सारी बातें कैसे जुड़ी हुई हो सकती है। इनके बीच क्या लिंक है।
और आभा, अभी थोड़ी देर पहले हमें रियलाइज हुआ ना कि हम देव पे फालतू में शक कर रहे हैं। मैं मानता हूं आपको ये सारी बातें अजीब लग रही हूं, एक माँ होने के नाते आपको अपनी बेटी के लिए चिंता हो रही है ये बात भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन माँ जी आपके कहने पे हम रोज रिसॉर्ट्स गए थे, वहां पे देव के नाम से फ्लैट बुक्ड है, हम बेवजह उन पे शक कर रहे हैं। देखो राघव, सीधे साधे ढंग से ही सही, लेकिन हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बहन जी, और कौन, लता दीदी ही होंगी। कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है उन्हें अपनी शादी का, बंगाली से शादी कर रही है ना, तो अभी से उसके रंग में रंगना चाहती है। हादसा तो सिर्फ एक बहाना था, मेरे बेकसूर भाई को फंसा दिया और कल चली है शादी करने। ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन के बारे में बात करने का कनिका? लता तुमसे बड़ी है और जानी जी, सोचिए घर में शादी का माहौल है तो ये इसे भी सोचना चाहिए राघव। ठाकुर साहब, माफ करना बहन जी, आप कौन है? आपको मेरी किसी बात की कदर नहीं। मैंने सोचा था लता की शादी में बंगाली साड़ी पहन के बंगाली गाने पे डांस करूंगी। देव बाबू जो आने वाले हैं, हेलो, मैं मेघा बोल रही हूँ, आभा की फ्रेंड, जबलपुर से। आभा के घर का लैंडलाइन नंबर देंगी मुझे? एक्चुअली उसका मोबाइल लग नहीं रहा है और आभा ने मुझे जबलपुर का एड्रेस दिया था पता लगाने के लिए। हाँ बेटा, वो शादी के सिलसिले में इसके लिए फोन किया होगा, पर आभा ने जो एड्रेस दिया था वहाँ पर तो कोई सिख परिवार रह रहा है पिछले 30 साल से। सिख परिवार? ठीक है बेटा, हम आभा को बता देंगे। जी नमस्ते। देवाशीष मुखर्जी के घर सिख परिवार। माँ जी, आप यहाँ? और ये क्या कर रही थी आप? ओ, हवा से ये सारे पेपर्स बिखर गए थे इसलिए, समझ रहे थे हम, उठाते हैं। नहीं नहीं प्लीज, मैं कर लूंगा, लेकिन कुछ काम था क्या? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। अब, हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा ये कार्ड्स तुम्हें दे दें अगर तुम्हें अपने दोस्तों को देना वगैरह हो तो। ओह थैंक यू। अच्छा हम चलते हैं। ये लता जी की माँ बार बार मेरी ऑफिस के चक्कर क्यों काट रही है? हेलो, एक ही बोल रहा हूं। कितनी शांति मिली ना मंदिर आकर मन को, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। विमल पे लगा कलंक मिट जाएगा और
उस एक का भी पता चल जाएगा, तुम देखना। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं भाभी, अब जो भी होगा भगवान की कृपा से ही होगा, क्योंकि एक के सिर्फ इन दो शब्दों से कैसे पता लगाएंगे कि तन्वी के असली पिता का नाम क्या है। आभा, भले छोटा सही लेकिन ये क्लू मिला है ना, भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, बाकी भी पता चल जाएगा। मैं अपनी फ्रेंड को दोबारा फोन करूंगी, वो जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगी। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ आज हमने क्या कर रही हैं? मुझे गलत मत समझिए आप, मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आभा कि मैंने बहुत जिद, बहुत कोशिशें की, लेकिन मेरी जिद हार गई और आपका प्यार, आपका विश्वास जीत गया। अब मैं समझ चुकी हूँ, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप और करण हमेशा खुश रहे। मैं जानती हूँ आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। और भैया ने मुझे लता जी के बारे में बताया तो सोचा कि उन्हें भी कंग्रेचुलेट कर दूँ। सुंदर है, बहुत सुंदर, लेकिन सोने का भाव तो आसमान छू रहा है बेटा। इतना महंगा मंगलसूत्र क्यों ले आई? मेरी माँ का बड़ा मन था मुझे, उनकी बहू का मंगलसूत्र सबसे अलग और सबसे अच्छा होना चाहिए। सच बताऊं तो यूएस में ही मेरी माँ को एहसास हो गया था कि मेरा घर यहाँ इस देश में होना चाहिए, जहाँ रिश्तों की माने सबसे ज्यादा है और अपने रीति रिवाज को आज भी इतना ही महत्व दिया जाता है। अब बैठो ना, बैठो। भाभी जरा चाय नाश्ता लेके आएंगी। आभा, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी आइए ना। मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ। आभा, लता की शादी को एक दिन बचा है, शाम को मेहंदी की रस्म है और हमारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं। हाँ माँ, कहिए ना। देखो उस दिन जब हम घर एक मिनट, हाँ घर से फोन। हेलो आभा, पावनी ने पता नहीं कोई चीज निगल ली है, बहुत रो रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ हाँ भाभी, हम अभी आते हैं। माँ पता नहीं क्या हो रहा है, आज के दिन सारी समस्या आती ही जा रही है, पावनी बहुत रो रही है, पता नहीं वो कुछ निकल गई है। हमें बहुत टेंशन हो रही है माँ, हमें घर जाना होगा। माँ हम अभी आभा शांत हो जाओ बेटा, प्रतिभा जी है, शैली है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ घर जाओ। हाँ हम जाते हैं। आभा
ये क्या माँ? ये पावने के गले में डाल दो, माता रानी का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा उसे, उसकी नानी की निशानी है। ईश्वर करे दुनिया भर की सारी खुशियां वो तुम्हारी झोली में भर दे। आबाद रहो बेटा, खुश रहो हमेशा। फोन करते हैं। की मां से बात करनी होगी, शायद बात कुछ समझ जाए। लता, ईश्वर करे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ऐसी बरकरार रहे। बेटा रस्म का समय हो गया, जाके तैयार हो जाओ। अरे आ गए आप लोग, दीजिए। चंद्रप्रभा, हम समझ सकते हैं कि लता की शादी को लेकर आपको बहुत चिंता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपको इस तरह से देखकर हमें आपके बारे में चिंता होने लगी। आप हमारी चिंता मत कीजिए, लता की शादी ठीक से हो जाए फिर हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आप थक गए होंगे, आराम कीजिए, लता का एक छोटा सा काम है वो हम करके आते हैं। भाभी हाँ, जरिए रख दीजिए और घर का ख्याल रखिए। भाभी रखती तो हूँ, हम जाते हैं। चंद्रप्रभा, कितनी बार हमने आपसे बोला है कि ऐसे मत कहा कीजिए। जब भी आप घर से बाहर जाएं या कोई भी, तो हमेशा यही कहें हम आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।